हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल रिव्यूज चैनल। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की घंटी बजाना नहीं भूलना। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान के बारे में, जो कि उनकी अपकमिंग मूवी आने वाली है द बुल, जिसको एक साउथ के नामचीन डायरेक्टर जिन्होंने प्रभास के साथ काम किया, महेश बाबू के साथ काम किया, अजीत के साथ काम किया, जिन्होंने काफी बिग स्टार यानी कि साउथ के बिगेस्ट सुपरस्टार के साथ काम किया है। पवन कल्याण के साथ भी उन्होंने पंजा मूवी बनाई थी, जो कि उसमें एलिमिनेशंस और जो उनका हीरो को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो लास्ट टाइम उन्होंने एक OTT मूवी बनाई थी, OTT पे आई थी, जिसका नाम था शेरशाह, जो कि OTT पे अमेजॉन प्राइम पे रिलीज हुई थी, बहुत ही चली थी। तो दोस्तों, अभी वो धर्मा प्रोडक्शन के साथ मिलकर सलमान खान के साथ द बुल मूवी बनाने वाले हैं। बुल जो कि एक भाई टाइटल ही बहुत ही दमदार है, तो मूवी भी बहुत दमदार होने वाली है, क्योंकि यार सलमान खान बुल की तरह लग भी रहे हैं, क्योंकि सलमान भाई का जिस तरीके से वेट हुआ है ना, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस मूवी के लिए ही सलमान खान ने वेट गेन किया है। तो दोस्तों, ये मूवी 2024 ईद पे आने वाली है, और ये मूवी मुझे 100% लगता है कि, और सलमान खान के फैंस को भी लगता है कि ये मूवी कमाल कर देगी, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा से एक्टिंग करा सकता है ये बंदा, विष्णुवर्धन, तो सोचो सलमान खान से क्या ही निकालेगा, क्या ही एलिमिनेशंस रहेंगे, कैसे सीन्स देखने को मिलेंगे, ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। सलमान खान की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, मुहूर्त शूट हो चुका है, और करण जौहर में पहली बार सलमान खान धर्मा प्रोडक्शन पे काम करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।